हेलो यार दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैं 2-3 दिन के लिए दिल्ली भी चला गया था। खैर दिल्ली तो चला गया था, वो कुछ काम पड़ गया था इस वजह से। और एक्चुअली में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं उस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो चलिए, आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, वो जियोफोन 3 के बारे में बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसके कुछ लीक्स और कुछ रेंडर्स निकल करके सामने आए हैं, जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। वैसे वेबसाइट्स में बहुत सारे गलत रेंडर्स और लीक्स दे रखे हैं। अजीब अजीब से फ़ोन, मतलब इतने ज़्यादा हाईफाई फ़ोन दे रखे हैं जो कि एकदम गलत हैं। वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है जियोफोन 3 के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर जियोफोन 3 में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। शायद ये कुछ कन्फर्म नहीं है, बट शायद हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। दोस्तों, जो जियोफोन 3 है उसके बारे में जो लीक्स और रेंडर्स निकल करके सामने आए हैं, उनसे हमें यह पता चल रहा है कि शायद हमें जो डिस्प्ले है वो 5 इंच की देखने को मिल सकती है। अब ये HD होगी या फुल HD होगी, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, ना ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। सो गेस करना तो ठीक नहीं है, बट आपको 5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको जियोफोन 1 और जियोफोन 2 में तो Kaios देखने को मिला था, जिसमें आपको WhatsApp का अपडेट भी देखने को बाद में मिल गया था। इसमें शायद आपको एंड्रॉयड गो एडिशन देखने को मिल सकता है, जो कि रन करेगा एंड्रॉयड ओरियो पे 8.1 वर्जन पे। सो ये तो देखने वाली बात होगी जब ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसके कैमरा की स्पेसिफिकेशन की, तो शायद हमें इसमें 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, वो भी LED के साथ, फ्लैश LED के साथ। और अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, तो वो हमें शायद नॉर्मली 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, अगर आगे बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो जो बैटरी है वो शायद हमें 3000 mAh की या फिर 2800 mAh की देखने को मिल सकती है। डेफिनेट कन्फर्म नहीं है ये सारी न्यूज़, ये लीक्ड है, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये कन्फर्म नहीं है। होप सो ऐसा ही हो, जो लीक्स हमें मिल रही हैं ठीक ठाक हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बजट रेंज में होने वाला है फ़ोन। सो देखते हैं, अभी ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। बट बैटरी की अगर बात करें, तो हमें शायद 2800 mAh या 3000 mAh, इन दोनों में से कोई एक बैटरी देखने को मिल सकती है। वैसे जो जियोफोन 1 था और जियोफोन 2 था, उसमें 2000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। अब ये फ़ोन तो शायद स्मार्टफोन होने वाला है, सो इसमें थोड़ा सा बैटरी अगर ज़्यादा ही मिलेगी तो बेटर रहेगा हमारे लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो शायद हमें इसमें 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, और इसमें शायद आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें जियोफोन 1 और 2 की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड था, बट उसमें हॉटस्पॉट नहीं था, दोनों ही फ़ोन में नहीं है, बट शायद इसमें आपको हॉटस्पॉट भी देखने को मिल सकता है। ये काफ़ी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। अगर हम मेमोरी कार्ड की बात करें, तो शायद हमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल सकता है, जो कि आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड भी लगा सकोगे। ये सारी चीज़ें थी इसी जियोफोन 3 के बारे में। तो सर, अगर आप मुझे अपना व्यू दो कि आपके पास क्या जियोफोन है, अगर आप है तो यूज़ भी करते हो कि नहीं। वैसे मेरे पास तो जियोफोन 1 है, बट मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, और वो सिर्फ नॉर्मली ऐसे पड़ा रहता है, कोई यूज़ नहीं उसका खास। और जो दोस्तों इसकी प्राइस होने वाली है ना, वो शायद 4500 के आसपास होगी, 4500 रुपये के आसपास, जो कि शायद इफ़ेक्टिव प्राइस होगी, जैसे कि जियोफोन 1 और जियोफोन 2 में थी कि आप इतने पैसे 2-3 साल बाद अगर वापस करोगे तो आपको रिटर्न हो जाएगा, ये वो फलाना ढमाका, इस तरीके की इफ़ेक्टिव प्राइस ऑफर्स ये सब लाने की कोशिश करेगा। वैसे मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि 3 साल बाद कहाँ किसी के पास ये फ़ोन बचेगा, उसमें कुछ ज़िंदा ही नहीं रहेगा, तो कौन वापस करेगा। और आप मुझे अपना व्यू दो कि आपको क्या ये जियोफोन 4500 के रुपीज़ में लेना पसंद है क्या, क्योंकि 1500 वाला तो काफ़ी ज़्यादा बिका था, और ये जो 3000 पे जियोफोन 2 लॉन्च हुआ था, उसको शायद किसी ने लिया भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम बिका है मेरे हिसाब से, उसकी मार्केट बहुत कम रही है। सो आप मुझे बताओ कि ये 4500 का आप लेना पसंद करोगे या इससे
इसमें थोड़ा पैसा और डाल करके आप Xiaomi का ले लोगे, जो कि आपको 6000 में आपको उसका 6A या 6 मिल जाता है, Redmi 6 देखने को मिल जाता है। बताना मुझे नीचे ज़रूर कमेंट्स में। तो यार बस दोस्तों इतना ही था इस वाली वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में जो कि काफ़ी शायद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वेट करिएगा उसका। और जो भी मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ जा कर के नीचे लिंक दे रखी है इंस्टाग्राम और ट्विटर की दोनों की, आप जा कर के वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और जो भी नए विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर वो जाइए, नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।